नमस्कार दोस्तों, त्योहारों की जान होती है मिठाइयाँ। तरह तरह की मिठाइयाँ आए दिन हम खाते रहते हैं, लेकिन स्पेशली रक्षाबंधन पर बनने वाली जो मिठाई है वो है सेवइयाँ। उसको भी लोग तरह तरह से बनाते हैं। कोई सूखी सेवइयाँ बनाता है, कोई दूध में उसकी खीर बनाता है। आज हम उसी सेवइयाँ से बनाएंगे एक बिल्कुल नई नवीली रेसिपी, कस्टर्ड वर्मिसेली विथ गुलाब जामुन। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने रख दी है गैस पर एक कढ़ाई गरम होने के लिए, और उसमें मैं डालूंगी एक बड़ा चम्मच भर के घी। घी को हम थोड़ा सा पिघलने देंगे। घी हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से पिघल चुका है। अब मैंने ली है यहाँ पर 150 ग्राम जितनी वर्मिसेली, कट सेवइयां जिसको बोलते हैं, मार्केट में इजिली मिल जाती है, वो डाली है मैंने इसमें। और इसको हम मीडियम आंच पर सुनहरी होने तक चला चलाकर भून लेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं सारी ही वर्मिसेली हमारी टोटली गोल्डन कलर की हो चुकी है। इस वक्त हम आंच को कर देंगे हल्की सी कम, और यहां पर हम डाल देंगे अब इसमें आधा लीटर दूध। मीडियम आंच पर ही हम इसको चलाते हुए 5 मिनट के लिए खौलने देंगे। वर्मिसेली हमारी खौलने लग चुकी है। बीच बीच में आप जरूरत पड़ने पर इसको चला सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर डालेंगे आधा कटोरी चीनी। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक बार फिर से चला लेंगे इसको, और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर खौलने देंगे। कुछ देर तक चलाते रहने के बाद में जैसे हम देखेंगे तो सेवइयां जो है हमारी काफी फूल चुकी है, पक गई है, लेकिन दूध वाला हिस्सा जो है वो काफी पतला है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने लिया है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर वैनिला फ्लेवर, जिसको हम डालेंगे कटोरी में, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध को डालने के बाद दोस्तों हम इसका बिल्कुल गट्ठे ना रहे इस तरह का पेस्ट बना लेंगे। जैसे ही पेस्ट बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके गट्ठे जो हैं वो सारे टूट चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे और कंटिन्यू हिला लेंगे। जैसे ही दोस्तों हमने कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिलाया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल एक खीर की होनी चाहिए, उतनी परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है। खुशबू जो है वो इसकी वैनिला फ्लेवर में चेंज हो चुकी है। बस अब हमारी ये जो वर्मिसेली कस्टर्ड है वो तो बनकर बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। गैस को हम कर देंगे इस वक्त बंद, और इसको होने देंगे हम ठंडा। कस्टर्ड सेवइयां हमारी अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा मलाईदार, रिच और क्रीमी बन चुकी है। अब हम दोस्तों इसमें ऐड करेंगे गुलाब जामुन और परोसने का तरीका। अब दोस्तों मैंने ले लिए यहाँ पर कुछ गुलाब जामुन। आप होम मेड भी ले सकते हैं या रेडीमेड भी ले सकते हैं, और इन सभी को दोस्तों हमको बीच में से कट करके एक गुलाब जामुन के 2 हिस्से कर देने हैं, कुछ इस तरह से। सभी गुलाब जामुन को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। सभी गुलाब जामुन को मैंने 1 के 2 हिस्से बना लिए हैं। अब सर्विंग के लिए दोस्तों मैंने ले लिया है 1 कटोरा, जिसमें सबसे पहले हम ये जो हमने गुलाब जामुन कट करके रखे हैं उनको हम सर्कुलेट रख लेंगे। गुलाब जामुन को रखने के बाद हमने ये जो कस्टर्ड वर्मिसेली बनाकर रखी थी उससे हम सभी गुलाब जामुन को कवर कर लेंगे। बर्तन को मैंने अच्छी तरह से वर्मिसेली कस्टर्ड से भर दिया है। अब हम एक बार फिर से गुलाब जामुन को ऊपर से फिर से सर्कल वाइज रख लेंगे। एक बार फिर से गुलाब जामुन रखने के बाद दोस्तों हम इसको गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे बारीक कटे हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स। अंत में हम डालेंगे ऊपर से कुछ रेशे केसर के। टोटली हटके स्टाइल वाली हमारी नई नवेली रेसिपी जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है दोस्तों। हमारी वर्मिसेली कस्टर्ड विद गुलाब जामुन की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है दोस्तों। आपके सामने मैंने परोस दी है। दिखने में जितनी सुंदर, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। परंपरागत तौर पर बनने वाली सेवइयां
नॉर्मली तो हम घर घर में खाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से बनाइए, खुद भी खाइए, भाई को भी खिलाइए और आने वाले मेहमानों को भी। पक्का आपको तारीफ मिलेगी, आपसे लोग रेसिपी जानेंगे, पूछेंगे। आप मेरा चैनल जो है वो बताना उनको, सब्सक्राइब भी करवाना उनसे और ट्राई करने का पक्का बोलना, क्योंकि इतनी लाजवाब रेसिपी जिसको मॉडिफाइड किया है थोड़ा सा मॉडर्न टच देकर, एक ही रेसिपी में दो मिठाइयों की स्वाद। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो फ्यूजन रेसिपी है वो पसंद आई होगी। एक बार ट्राई करिए, कैसी बनी मुझे पक्का बताइए, और कैसी बनी मतलब लाजवाब ही बनेगी। बेहद हटके स्वाद, सेवइयों का स्वाद, साथ ही में गुलाब जामुन का टेस्ट और साथ ही में वेनिला कस्टर्ड का भी। एक हटके रेसिपी ट्राई करना पक्का बनता है। रक्षाबंधन आ ही रही है, क्यों ना ये ट्राई किया जाए। और रक्षाबंधन क्यों दोस्तों, कोई भी त्योहार पर आप ये मिठाई बनाएंगे तो 100% आपको तारीफें मिलनी ही है। ट्राई जरूर करिएगा, कैसा बना मुझे बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।